ओके तो बहुत दिनों से मैंने कोई टिकटॉक स्टार पे रिएक्ट नहीं किया है. आप लोग टिकटॉक वीडियोस को मिस कर रहे हो, मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि आकाश अवेलेबल नहीं है. लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर पर बंद है, मैं अपने घर पर बंद हूँ, तो साथ में रिएक्शन करने में जो मज़ा है वो पॉसिबल नहीं है. तो मैंने क्या बोला आकाश को कि उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करे. तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आकाश का रिएक्शन भी देखने मिलेगा. बट नाउ लेट्स चेक आउट दिस वीडियो. शी इज सुपर प्रेटी. माँ यार ये पाकिस्तानी लड़कियों को इतना ब्यूटीफुल होना जरूरी है. ये कौन है? यहाँ पर देखो कि मिनिमल मेकअप के साथ भी बहुत अच्छी दिख रही है. बहुत ही सिंपलिस्टिक है इसका जो बहुत लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं. ये ज्यादा कुछ एफर्ट्स भी नहीं लेती और ब्यूटीफुल तो वो भी लेता है जो तड़पाता है और फिर खुद ही मरम बन जाता है. इश्क हाय मैं मर जा. बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको. मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी के लिए भी समझाना है. This was very well done. One of the best इसका अभी तक जो है. इसको देख के मुझे अरिका का ख्याल याद आ जाता है थोड़ा सा. अरिका थोड़ी छब्बी चीक्स वाली है. जो कैदाए कर के वखैदाए जैज मेक योर ओन बंडल लगा ते बंडल बढ़ाई जा. I really feel कि थोड़ा सिमिलैरिटी आरी का और इसमें. मम्मी और बेटा ये पेरिस कहाँ है? अब मुझे क्या पता, कितनी बार कहा है कि अपनी चीज संभाल कर रखो, देखो वही कहीं रखी होगी. उसे देर हो रही है, ढूंढ देना उसे. अच्छा, चल बेटा मैं नहीं ब्लैक कलर भी बहुत सूट होता है इस पर. दाले सांब के रखनी मैं एक न बनाती पारी. मुझे इसके एक्टिंग के बारे में कुछ बात करना है लेकिन वीडियो के बाद. कोई घर नहीं जाया करती. मैंने कोई मेकअप नहीं किया अम्मा, ये तो बस तीन चार दाने छुपाने के लिए पाउडर लगाया था. पर मैं वैसे ही फेल हो गई, मेरा दिल इतना खराब है. प्यार में एक दिन मेरी जात तुझे How could I ignore you? Trust me, I adore you. We're swimming through. Would you be so much in the eye? मन करे कि चोर चोर चिल्लाए.
ये काफी यूनिक था, मेरे को मैंने अभी तक कोई और टिकटॉक स्टार को ये करते हुए देखा नहीं। हम सुबह बात करेंगे। सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। मेरे पास तुम हो। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं खुश रहना चाहिए। हमारा क्या है, हम तो दूसरा पटा लेंगे। बता, 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? मोहित बेटा, पानी तो पिलाओ। अब्बू, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। अरे तू उस बाप को मना कर रहा है जिसने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब्बू, ये तो है ही बगैरत, आप खुद ही पी लें। नीम का गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना, तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ, या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसते फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के? क्या डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया मेरे लिए? अरे जल्दी चला जाए, उस गंजे की बेटी हमारे इंतजार में सूख रही होगी। और उसका लफंटर दोस्त भी आया साथ में। यार हाँ, तो कोई शराफत की, उस अनारकली का तो कोई पता ही नहीं। रहने तू बिजी बप्पू के थूदारा। You know he still loves you. I know. लेकिन तू बताओ, हम लव का क्या करें? क्या करें क्या मतलब? लव इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ऑब्वियसली शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसका जो फेस स्ट्रक्चर है, हेयर है, आईज है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। इसके लुक्स के बारे में आकाश का भी ओपिनियन जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके एक्टिंग के बारे में। इसका एक्टिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन एक एक जगह पे थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लास्ट वीडियो क्लिप है उसमें उसका एक्टिंग थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को भी शायद समझ में आ जाएगा। यू नो ही स्टिल लव्स यू। लेकिन तू बताओ, हम लव का क्या करें? यार तो बहुत अच्छा एक्टिंग है। लव इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत अच्छा एक्टिंग है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये लास्ट लाइन बोलती है कि इज्जत इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब उसका आईज वो कन्वे नहीं कर रहा कि वो उस एक्टिंग के जोन में। तो स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ, फिर बाद में डिस्कनेक्ट लगा। बट अगेन, अभी ये वीडियो क्लिप में उसका एक्टिंग बहुत ही ब्रिलियंट है। और इस वीडियो में उसका एक्टिंग टॉप नॉच था। क्यूटनेस देखो, एक्सप्रेशंस को देखो, बहुत ही अमेजिंग। आई डोंट थिंक कि टिकटॉक पे ज़्यादा लोग होंगे जो इसके लेवल को मैच कर सकता है। तो उसके एक्टिंग को मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्लियरली एबिलिटी तो टॉप नॉच है। सो अभी सुनते हैं कि आकाश को कैसा लगा इसका वीडियो, तो लेट्स सी। मेरा नाम है आकाश और आज मैंने वानिया नदीम को टिकटॉक पे देखा, और मतलब है वो तो टिकटॉक पे है ही, लेकिन आज उनके वीडियोस देखे, बहुत अच्छे लगे वीडियोस। उनका लुक यार, मतलब कहूँ ना तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लुक है, और बहुत गॉर्जियस और ब्यूटीफुल है यार। उनकी आँखें, उनकी आँखों के बारे में तो मैं क्या कहूँ, बहुत उनके जो चेहरे पे उनकी आँखें जो सूट होती है ना, काफ़ी मतलब क्या कहूँ, बहुत सही लगता है उनके चेहरों पे उनकी आँखें। गुड लुक तो है ही, ऐसे टैलेंटेड भी काफ़ी है, तो लगता ही है टैलेंटेड है ही। और मुझे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और मतलब बहुत से टिकटॉक स्टार से, जैसे कि रोमेजा खान है, अरिका हक है, और रबीका खान है, लाइबा बेबी है, तो मतलब है, तो इन लोग में हफ्जा खान है यार, मतलब तो मैंने देखा, तो मुझे सबसे ज़्यादा आँखों का ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वानिया नदीम की आँखें काफ़ी पसंद आई, उनकी आँखें बहुत पसंद। जब मैंने उनको पहली बार अफजा खान के वीडियो में देखा था, प्रैंक कॉल में, तभी मैंने देखा था पहली बार, तो मुझे लगा था कि ये बस अफजा खान की जस्ट फ्रेंड है, तो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो ज़्यादा मेकअप भी करते होंगे, क्योंकि उनको मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका फेस इतना सिंपल और इतना अच्छा क्यूट लगता है कि क्यूटनेस काफ़ी है मतलब उनमें, और इनोसेंट टाइप थोड़े लगते हैं मुझे वानिया नदीम। तो मुझे उनके वीडियोज़ काफ़ी अच्छे लगे, और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, तो
बस मुझे उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे, उनका लुक मुझे ज़्यादा पसंद आया, और लुक्स में से सबसे ज़्यादा मुझे उनकी आंखें काफ़ी पसंद आई मुझे। तो मिलते हैं फिर, बाय। ओके, तो आकाश ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर लिया है वानिया के लुक्स के बारे में, और अच्छी बात है क्योंकि मैं उतना तारीफ नहीं कर सकता वानिया का, क्योंकि हफ्जा और वानिया काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, और अगर मैं वानिया के बारे में ज़्यादा तारीफ करूँगा तो हफ्जा के फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। हफ्जा के फैंस और इवन मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगता है कि मुझे हफ्जा पे बहुत बड़ा क्रश है, क्योंकि हफ्जा के लेटेस्ट वीडियो पे, लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो पे टॉप कॉमेंट है। वेल, डू यू नो हफ्जा, देर इज़ अ चैनल ब्रेन चाओ रिएक्शंस, इन दैट चैनल राज हैज़ अ बिग क्रश ऑन यू। आप लोग को मुझे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने में क्या मज़ा आता है। और वैसे हफ्जा और मैं एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो या, वीडियो देख के बहुत मज़ा आया, एक्टिंग थोड़ा इनकन्सिस्टेंट लेकिन ब्रिलियंट, लुक्स अमेजिंग, और आकाश ने भी बहुत कुछ बोला उसके लुक्स के बारे में, नो डाउट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और वानिया नदीम का टिकटॉक यूजर नेम टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आपको इस वीडियो ने इम्प्रेस किया है तो मेक श्योर टू फॉलो हर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।